आई टेक अ डाउट क्लास इफ यू फील लाइक। इंद्रनील, अभी तो आपके लिए बहुत शुरुआत है बेटा, आपने तो इनिशियली क्लासेस भी नहीं ली है, तो आपके लिए तो बहुत शुरुआत है, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे याद रहेंगे। जब प्रैक्टिस बहुत सारा कर लोगे ना, तो धीरे धीरे याद रहने लग जाएंगे बच्चे। सो डोंट वरी अबाउट इट, यू विल बी एबल टू कोप अप, डोंट वरी। ओके, सो टुडे शैल आई स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक? एनर्जी मिसिंग है आज क्लास में, क्या बात है, दिवाली में थक गए क्या? नहीं अमृता, वॉट इज टेंस? हाँ जी, इन्होंने रीजनिंग सारी लेंगे। वॉट इज टेंस? कोई इशू है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो शेयर करिए। जब तक वो इश्यू बता रही हूँ, मीनवाइल कोई मुझे ये बता दो, व्हाट इज टेंस? टेंस इज बेसिकली टाइम रेफरेंस, ऐसा प्रियंका कह रही है। आई यूज टू से टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है। अब ये तो सबको पता चल गया कि जो किसी भी एक्शन का वक्त बताता है, जो किसी भी एक्शन का टाइम बताता है। भाई ये किसी भी एक्शन का टाइम बताएगा कैसे? हाउ इट विल टेल कि कब वो एक्शन परफॉर्म किया गया है? तो यू गेट टू नो दिस। हाँ याशिका बोलो। मैम वो आपने पूछा था ना सर से कोई वो इशू, सर मैम वो आज ना सर एक कॉन्सेप्ट बता रहे थे हमें, वो उसी कॉन्सेप्ट को मैम ने जब समझाया था तो एक अलग चीज बताई थी और सर किसी अलग चीज को बता रहे थे, तो मैम वही थोड़ा कंफ्यूजन है। तो इस बारे में अगर मैम से बात करें तो मैम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैम को? हाँ बेटा, अभी आप बिल्कुल मैम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो एक चीज ये होती है ना कि रीजनिंग इज अ लॉजिकल पार्ट, है ना, रीजनिंग काफ़ी लॉजिकल पार्ट होती है और उसमें हर फैकल्टी का अपना अपना लॉजिक हो सकता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आई अंडरस्टैंड कि यू गाइज कैन गेट कन्फ्यूज विद द थिंग्स, बट दैट इज़ द रीज़न आई आस्क्ड हिम टू स्टार्ट सिलॉग्स फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, एकदम बिल्कुल शुरुआत से मैंने इसी वजह से उनको बिल्कुल शुरू से इसी वजह से मैंने उनको स्टार्ट करने के लिए बोला था। उसके बावजूद अगर कुछ आंसर्स में एरर है या कुछ इशू है तो वो बेशक आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं मैम से, और वो आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा ठीक
ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप एक बार उसके आंसर्स मेरे साथ शेयर कर दीजिए और फिर मैं चेक करके आपको बता दूंगी। ओके ठीक है, परेशान मत हुआ करो। अच्छा, सो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैं क्या पढ़ा रही थी, मेरा टेंस भूल गया। तो एक्शन का टाइम बताता है, लेकिन ये एक्शन का टाइम कैसे बताएगा भाई, फॉर्म ऑफ वर्ब से बताएगा। अब फॉर्म ऑफ वर्ब होता क्या है, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि अमृता इज स्टडिंग इंग्लिश, और सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि विशाल वॉज स्टडिंग इंग्लिश। अब इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है, दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है बच्चे, ये तो आप भी बता सकते हो, कम ऑन। टाइम का क्या फर्क है, टाइम का कि अमृता अमृता प्रेजेंट टाइम पे पढ़ रही है और विशाल पास्ट में पढ़ रहा था, है ना। अमृता पढ़ रही है, विशाल पढ़ रहा था। इट इज इन विशाल वॉज स्टडिंग इन द पास्ट, अमृता इज स्टडिंग इन प्रेजेंट। ओके, सो हाउ वी गेट टू नो दिस, दैट दिस एक्शन वॉज कंडक्टेड इन द प्रेजेंट, दिस एक्शन इज कंडक्टेड इन द प्रेजेंट टाइम एंड दिस एक्शन वॉज कंडक्टेड इन द पास्ट। हाउ वी गॉट टू नो दैट, वी गॉट टू नो दैट थ्रू हेल्पिंग वर्ब, या बाय इज एंड वॉज, दैट इज हाउ वी गॉट टू नो इट, राइट। सो दैट इज द थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू, दैट टाइम ऑफ एन एक्शन इट डिफाइंस, बट हाउ इट डिफाइंस, विथ अ वर्ब। ठीक है, मोर ओवर ऑल्सो हैव रिटन फॉर्म ऑफ वर्ब। सपोज इफ आई से, सपोज इफ आई से स्मिता रीड्स अ नॉवल डेली, ठीक है, एंड इफ आई से दर्पण रोट अ बुक ऑन, नहीं ऐसा मत लिखो, ये गलत हो जाएगा। दर्पण रोट अ बुक, दर्पण व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, दर्पण व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, 1998, सो ही रोट अ बुक इन 2010। सपोज आई हैव रिटन टू स्टेटमेंट, स्मिता रीड्स अ नॉवल डेली एंड दर्पण रोट अ बुक इन 2010। नाउ थ्रू दिस रोट वी गॉट टू नो दैट दिस एक्शन हैज बीन कंडक्टेड इन द पास्ट, राइट और रॉन्ग। दर्पण 2010 में बुक लिखा था, दैट इज वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंसेस। सो वी गॉट टू नो दैट दिस पर्टिकुलर एक्शन हैज बीन कंडक्टेड इन द पास्ट। नाउ इफ आई से स्मिता रीड्स अ नॉवल डेली, स्मिता रोज नॉवल पढ़ती है, तो वी गॉट टू नो दैट दिस स्टेटमेंट हैज बीन कंडक्टेड, हैज बीन गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम, है ना। ऑन अ डेली बेसिस शी रीड्स नॉवल, करेक्ट। तो वो प्रेजेंट का इवेंट है, ये पास्ट का इवेंट है, करेक्ट। अब ये हमें कैसे पता चला, थ्रू द वर्ब ओनली, क्योंकि यहां पर हमने रीड्स लगाया, यहां पर हमने रोट लगाया, है ना, वर्ब के थ्रू ही तो पता चला। तो ये जो वर्ब के फॉर्म चेंज होते हैं ना, इसको हम कहते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब मैं आपको ऐसे करके बताती हूँ, इंडिविजुअली बताती हूँ, जैसे v1 v2 v3 v1 प्लस ing वर्ब का s और es फॉर्म। ठीक है, दीज आर द फाइव फॉर्म ऑफ वर्ब विच कैन बी डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ अ सेंटेंस।
अगर सेंटेंस पास्ट में है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस और ईएस फॉर्म लगेगा, अगर परफेक्ट टेंस में है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा हैज हैव हैड के साथ डिपेंडिंग अपॉन द टेंसेस। तो ये जो वर्ब के फॉर्म है ना, ये हर टेंस में, हर एक टाइप ऑफ टेंस में वैरी करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज दिस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। आई हैव रिटन इन द फर्स्ट दैट इट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, व्हाट वी कॉल, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, V1 का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम गिवन, कैन एनीवन टेल मी, present form of verb, very good Darpan. So V1 is what, present form of verb. What is this V2? V2 is past form of verb, very good. What is this V3? No, past perfect is a type of tense. Indrani, past perfect is a type of tense, it is not type or form of verb. So what is this V3? फ्यूचर बेटा, टेंस का टाइप थोड़ी पढ़ रहे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कम ऑन, प्रेजेंट परफेक्ट, नो देवा प्रियो, दैट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ टेंस, दैट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ टेंस, दैट इज नॉट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, एनीवन, मैं बता दूं, इट्स नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट्स पास्ट पार्टिसिपल, यू आर नाउ म्यूटेड, गेट से बता दो, बाहर से बहुत आवाज आ रही है, यू आर नाउ अनम्यूटेड, वर्ब थर्ड फॉर्म इज पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, इट इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। नाउ इफ V1 इज गो, देन व्हाट विल बी V2 एंड V3, V1 प्लस ing एंड वर्ब का एस और ईएस फॉर्म, व्हाट इट विल बी, वेंट, गॉन, वेरी गुड, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोस, राइट। If verb first form is right, then what will be second and third and verb ing form and verb ka s or es form? Wrote, very good. Wrote ke baad written, kya baat hai? Verb ing form will be writing. Indraneel, Aishwarya, we don't use double T in writing, it's single T. W-R-I-T-I-N-G, we don't use double T in writing. Come on guys, Mata, we don't use double T in writing, it's single T. Bacche, kya kar rahe ho? Ye to choti choti spelling mein mistakes. Hai na? And verb S or ES form will be right. Okay. Now, if I talk about teach, what will be the second and third form of teach? Taught, it will be taught, it will be taught, teaching and teachers, perfect. What will be the second and third form of the word complain? We have already discussed. Some students are saying complained and some students are saying complained. Like Yashika and Smita has said, Yashika and Smita have said that it should be complained and Amrita has said complained. So other students vote them.
with whom you want to go. What do you think is correct? Complaint or complained? ED or T? Complaint. Rohan wants to go with complaint. Aviral complained. Priyanka complained. Devapriya wants to go with Amrita. Amrita complained. Okay. So most of these students are going with complained only and blame, but some of them are going with complaint as well. So what is the difference between complaint and complained? Complaint has been filed against XYZ, kya likh de naam, against Ram for not having driving license. Okay, this is complaint. Now if I say Indraneel complained against me for not teaching well. ठीक है, I've written two sentences. Complaint has been filed against Ram for not having driving license. Indraneel complained against me for not teaching well. Now, are these two sentences correct? For killing Ravan? First में noun है and second में verb है ना. In first sentence this complaint is behaving as a noun, right? Because it is a subject. But in second sentence, complained is a verb and it is the action of Indraneel. See, complaint word normally can be used for legal document, for legal facts. Moreover, we use it for the normal complaints thing also, like you are complaining against your if you are complaining your father against your mother, or complaining your mother against your father. So that is there also you can use complaint word. So it's not compulsory, it's just complaint is a word used as noun and complained is a word used as verb. The only difference is complaint can be used as subject or object of a sentence, and complained, ed wala complained, will always be used as verb. The only difference is that only. It's not about legal document or legal form. So verb second form and third form of complaint will be complained and complained. Verb ing form will be complaining and verb sores form will be complaints. Okay, this is what is verb form of verb. Moreover, have you ever heard about this word envelop? That also I have told you previously I have discussed all these things. Have you ever heard of word envelop? What is this envelop? Very good, Amrita. Envelop is lifafa, right? This envelop is lifafa. Everyone agree?
एवरीवन अग्रीज विद अमृता? एनी डिफरेंट आंसर? ओके नाउ हैव यू एवर हर्ड ऑफ वर्ड इन वेलॉ? Have you ever heard of word envelope? Yes, no, हाँ ठीक है अच्छा ओके कुछ तो बोलो ये लिफाफा होगा जा फिर ऊपर वाला क्या होगा अगर नीचे वाला लिफाफा होगा तो ये लिफाफा है अच्छा आगे वाले में ई ऐड करना पड़ेगा वरना वो वर्ड गलत है हाय बेटा ये जो इनवेलॉप है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट दिस इज व्हाट वी कॉल एज लिफाफा ठीक है एंड दिस इनवेलॉप इज नाउ एंड फर्स्ट वन इज वर्ड विच मीन्स टू हाइड समथिंग ठीक है फर्स्ट एनवेलप इज वर्ब विच मीन्स टू हाइड समथिंग सेकेंड एनवेलप इज लिफाफा विच इज अ नाउन गॉट इट क्लियर और नॉट पक्का और पूछू और पूछू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Advice and advice. What is the difference between advice and advice? अच्छा और envelope का second और third form enveloped होता है envelope and enveloped रह गया बताना फर्स्ट इज वर्ब एंड सेकेंड इज नाउन ठीक है दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना और एडवाइस का मतलब होता है सलाह तो एडवाइस इज वर्ब And advice is a noun. In a similar manner, there is two more word. First is practice, and the other one is practice. This practice, CE one is abhyas. This is a noun, and this SE one is. अभ्यास करना एंड दिस वन इज अ वर्ब गॉट इट एनी कंफ्यूजन नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड इफेक्ट हु विल टेल Difference between effect and effect. Affect is verb. AFFECT is verb. Okay. फर्स्ट वन इज नाउन एंड सेकेंड वन इज वर्ब ऐसा कह रहे हैं अमृता अफेक्ट इज वर्ब ओके AFFECT इज वर्ब ओके आई गॉट टू नो दिस देवप्रियो भी कह रहे फर्स्ट इज रिजल्ट सेकेंड इज टू कॉज हार्म ऑलवेज इन हार्म क्यों इफेक्ट कैन नॉट बी गुड द इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज लाइक दिस मेडिसिन अफेक्टेड मी And cured me from fever. तो गलत हो जाएगा
मैम, सो फार आई हैव नेवर आई मीन आई हैव नेवर सीन द यूज ऑफ वर्ड एफेक्ट इन अ पॉजिटिव पॉजिटिव सेंस। कॉनोटेशन दैट्स व्हाई बेसिकली अफेक्ट मींस असर करना, ठीक है? अफेक्ट मींस असर करना, टू कॉज। वी कैन नॉट से इट इज़ पर्टिकुलरली यूज इन पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, इट कैन बी यूज इन बोथ सेंस। एंड एफेक्ट ओनली मीन्स असर करना टू कॉज समथिंग, वेदर इन अ पॉजिटिव सेंस और इन अ नेगेटिव सेंस। सो एफेक्ट इज So, डेफिनेट। it can be said that it can be said that the effect is the verb form of effect, right? Affect is the verb form of effect. No, actually not. I'm coming to effect also. Don't worry. Actually, at the moment I was only discussing about affect. So affect is a verb which means asar karna, to cause something. ठीक है. Now if we talk about effect, if we talk about this effect, you know, this effect can be used as noun as well as verb. This effect can be used as noun as well as verb. Okay, very less it is used as verb. That is the only reason we don't know that effect is used as verb. But yeah, sometimes it is. So effect as noun means result, parinam. Okay, effect as noun means result, that is parinam. Can anyone tell me effect as verb? Can anyone tell me uses of effect as verb? Come on, try. Like, can it be said like this, that the pandemic has affected the downfall in the economy? Affected. Okay. क्योंकि वहाँ पे उसका असर करने ही आ रहा है ना sense, so that will be affected. कोई और चीज? Any other answer? But here effect is a noun. Rohan, there effect is a noun. Effect can be used as verb and the meaning for that will be बदलाव करना, इन हिंदी यू कैन से टू चेंज, है ना? लाइक यू कैन से दैट पर्टिकुलर थिंग्स हैज बीन डिजाइंड टू इफेक्ट द प्रेजेंट सिनेरियो, सो हियर इट्स 2+V1 एंड यू विल यूज एट EFFECT. इट कैन बी यूज्ड एज वर्ब एज वेल. And when it is used as verb, it means to bring some changes to it, but not commonly it is used. It is used in a very rare sense to bring about an outcome, to bring about an changes that we use define, that we use to define when we use effect as a verb. Wrong medicine has disastrous effects. Beta, their effects is a noun, Vaishali. Wrong medication has disastrous effect. In that particular sentence, it is a noun. The quiz had effect on my grade. The quiz had affected my grade. So it should be AFFECTED. Abhiran. Okay. No, affect cannot be used as a noun. No, affect, this word cannot be used as a noun. Okay,
Okay, so that is the use of effect and affect. After that, after effect and affect. Have you ever heard about a verb with a? Almost similar sounding words. Since we don't have much time left with us, I'm discussing this only. Wither, weather, weather, wither. To shayad, acha. हाँ एफेक्ट को एज अ जेरंड यूज करोगे तो डेफिनेटली इट विल बी अलाउड. हाँ हाँ डेफिनेटली इंद्रनी डेफिनेटली. फर्स्ट थ्री आई नो अविरल. ओके यू टेल मी फर्स्ट थ्री अविरल. यू कैन ट्राई फर्स्ट थ्री नो इश्यूज. हर्ड ऑल ऑफ देम बट डोंट नो द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एंड फोर. ओके नो इश्यूज आई लेट यू नो. Once you guys are done, once all of you have solved the question, have given a thought on all the words, then I'll tell you the meaning of each and every word in detail. Okay. First meaning is to become dry. Okay. Whether it's to die or dried. Okay. Okay, Aishwarya, Aviral, point girl. Next, Yashika, you are correct. Weather is a conjunction. Second one, expressing a doubt. Okay. And third one, everyone knows it is mausam. Yeah. Climate. Yeah. See, wither is a verb which means murjhana. The leaves are withering from the trees. Leaves withered from the trees. Hai na? In autumn season, leaves wither from the trees. Correct? That is murjhana, dried and died. Weather is a conjunction. Weather is a conjunction which means ya. Basically in Hindi we call it as ya. Ye, ya, wo. Kind of like that. ठीक है, that is what we call as weather. This weather is a noun. We call it as मौसम. And this wither is adverb, which means where. कहाँ. Got it? So similar sounding words, but only this one is a verb and the second and third form of wither is withered, withered. So this is how form of verb is used, and since there are many similar sounding words, we used to get confused. We used to get confused with the verb with other parts of speech. Sometimes we think of that effect is a noun. Sometimes we feel advice is a noun. Advice is a verb. So in a similar sounding word, there are some confusions. So you should be very much crystal clear about the verbs, and accordingly you will use it in sentence.
Can you please give an example using for? Devapriyo, actually, I know that you must have not heard about this word, but in life, have you ever read the novel of Shakespeare, Thee, Thou, Whither, Whence? These word has been taken from there only. Actually, in old English, in Shakespearean English, okay, this word was used as where, okay, but now it's not used in modern English. So that is the reason you must have not heard about this word. Okay, yeah. So this is the only thing I wanted to explain about the form of verb. Now we will talk about tense. Till now, we have only done introduction of tense. Now, I guess you guys have understood form of verb which tells the time of an action. This sentence is crystal clear or not? Clear to everyone? Thank God. Now, we'll discuss about types of tenses. How many types of tenses are there? Come on, this one is easy. Anyone can answer, right? How many types of tenses are there? 12. Oh my God. Broadly, tenses are divided into how many types? Broadly, tenses are divided into 3 types. What are they? What are the 3 types? Past, present, and future, right? So basically, these are the 3 types of tenses: past, present, and future. I know, Indrani, I know. Now, can anyone give me some types of present tense? Subtypes of present tense. Present tense are further divided into how many types? 4 types. Name them. Present indefinite. Very good. Present continuous. Present perfect. And present perfect continuous. So, past is also divided into these 4 types only. Past indefinite, past continuous, past perfect continuous. In a similar manner, future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Okay, now, Devapriyo has written simple present. Okay, he has written simple present tense. And Indraneel has written present indefinite tense. Are these 2 tenses same or somewhat different? ये दोनों एक ही है कि ये दोनों में कोई फर्क भी है? Same है. बोलो बोलो. Same है क्या? Simple present and present indefinite tense. These are same or not? Same. और भी कुछ बच्चे लिख दो यार, सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़े तब से ये तीनों आंसर कर रहे हो. कोई तो लिख दो कि सेम है. कम ऑन, सेम सेम आई गेस. ओके, आई एम राइटिंग 2 सेंटेंसेस हियर. ओके, इफ आई से I'm writing 2 sentences here, just tell me. If I say, Avirul writes a letter. And if I write 1 more sentence, that Yashika is a brave girl. These 2 sentences are in which tense?
these two sentences are in which tense? Both present indefinite. Present के कौन से टाइप में है? That is what I want to know. Simple present tense. The only difference between these two sentences is both the sentences are in simple present tense. The only difference between these two sentences is speak up, guys. Come on. एक का एक्शन बोल रहा है और एक में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है. यहाँ पे राइट्स में क्या है? राइट्स में क्या समझ में आ रहा है? ये राइट्स जो है दिस इज एक्शन वर्ब, ठीक है. और ये इज में क्या है? ये इज में क्या है? दिस इज हेल्पिंग वर्ब बिहेविंग एज मेन वर्ब. When helping verbs behaves as main verb, it is known as present indefinite tense. And when action verb is used to define a particular sentence, then it is known as simple present tense. दोनों simple tenses का ही part है, लेकिन जब helping verb main verb के तरीके से behave कर कर उस sentence को present tense में रखता है तो हम उसको present indefinite tense बोलते हैं, और जब action verb आता है तो हम उसको simple present tense बोलते हैं. Got it? अब बच्चे structure के बारे में बात करते हैं, ठीक है. We will talk about structure. तीन चार टाइप से स्ट्रक्चर बन सकता है. एक आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस बन सकते हैं, दैट वी कॉल एज अफर्मेटिव ऑल्सो. सेकेंड इज नेगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ना अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसा बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या एस और ईएस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. राइट और रॉन्ग? सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन अफर्मेटिव. हाँ कि ना? यस, एवरीवन अग्रीज और नॉट? गाइस प्लीज आंसर. या so this will be the structure of affirmative sentence. How will we change it into negative sentence? Suppose if I say Suman eats mangoes, change it into negative sentence. Verb plus not क्या होता है बेटा? Does not. Suman does not. Complete the sentence. Suman does not. उसके बाद क्या आएगा? Eat mangoes. That is very important. That when we are changing affirmative sentence into a negative sentence, so we will use a helping verb that is does plus does or do accordingly, right? With does plus do, we will use not also. But whenever does or do is used in a sentence, we will use verb first form plus object. ठीक है? जब भी यहाँ पे does और do के साथ not आया हुआ होगा, इसके साथ हम यहाँ पे verb का first form use करेंगे. तो जब हम इसको change करेंगे तो it will be Suman does not eat mango. तो does not के साथ यहाँ पर हमेशा verb का first form आएगा, ये ध्यान में रखना. क्योंकि कभी कभी ऐसा भी error finding देते हैं, does not eats mangoes. तो आपको पता होना चाहिए कि does के साथ eats नहीं आता, ठीक है. अब इसी को अगर मुझे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना होगा तो हम कैसे करेंगे?
इसी सेंटेंस को अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना होगा तो हम कैसे करेंगे? Does Suman eat mangoes? Very good. So what will happen? This do or does will come before subject. ठीक है? These do or does will come before subject. So in interrogative sentence, it will be do, does plus subject plus verb first form plus object plus question mark. Then question mark. Got it? Got it? Great. So, bachche, today we have done with the basics of tenses. From tomorrow onwards, we'll start with the rules of simple present tense. When we use simple present tense, that I'll guide you for that. Okay? Just go through subject verb agreement. The students who are still practicing, kindly go through it. If you have any doubt, once you are done with the practice session or subject verb agreement, just let me know. I just want to conduct a small test, like 10 minutes test. I will conduct in the starting of a class only, so that I got to know that you have understood subject verb agreement or not. Okay, so once you are done with the practice part, please let me know, okay, ma'am, I'm done with the practice part. You can just check it. Yeah, it will be a live test. I will give 10 questions here only and I'll discuss it with you guys. Don't worry. It will just a 10 minutes test of previous year asked questions. Yeah, there will be a problem. Ma'am, actually, I don't know whether you know or not, but I have joined this batch a bit later. Like I joined on 3rd November and the class started on 12th October. So I have checked the YouTube and not all the recordings of subject verb agreement of your class is available. So how to get those ones? Debabra, you are enrolled in SSC, right? You are enrolled in SSC batch, correct? Yeah. What you will do is, see, you will log in to this website, thehinduzone.com/LMS site. Okay, you must have been provided with the ID password of this website on a mail. So you will just put your username and password and you will enter. Once you will enter in this website, there will be four columns. Okay, one will be your live lecture column. Second column will be SSC CGL English comprehension. Okay, third column will be SSC CGL quantitative aptitude. In a similar manner, there will be column of SSC CGL reasoning and there will be a column of SSC CGL general studies. Okay, you just need to click on SSC CGL. And I have joined for both SSC and bank as well. So you just go in SSC CGL English part. There you will get all the things. So once you will click on SSC CGL English comprehension, like all the videos and PPTs of English comprehension will get open. Okay. So inside that, there will be the very first topic will be subject verb agreement. Very first topic will be subject verb agreement. Okay, subject verb agreement will be written at a place and there only it will be written as video lectures. ठीक है, this is not a live class. मैं पहले ही बता देती हूँ, ये live lectures नहीं है, लेकिन ये मेरे खुद के pre-recorded video lectures हैं. ठीक है, तो वहां पे भी अगर आप जाके एक बार video lectures देख लोगे ना, वहां पे मैंने सारे concepts properly explain किए हुए हैं. And ma'am, it's a sequence, right? Yeah, like, class it is. After class? Yeah, definitely. After subject verb agreement, you will find tense. Everything is updated there. So once you click on subject. I'm asking whether when I go to that subject verb agreement tab, then when I will check the video lectures, so the video lectures. In video lecture, first video lecture will be of some other faculty. So don't watch that. Second video lecture. There will be written as subject verb agreement part 1 because
in a, on a single day, I can make only 30 to 40 minutes video, right? So I have also splitted it into different part. So in part one, I have done the basics. In part two, I have done certain rules. In part three, I have done certain rules. So I have completed the video in three parts. So you can watch part one, part two. Part three, I think you have covered in the live class only. So no worries for that. Okay. Thank you so much. Yeah. Welcome. Any other doubt? So can we finish the class for today? बेटा अभी तो शुरू ही हुआ है अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती बच्चे अभी तो शुरू ही हुआ है क्योंकि दर्पण ये तो पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कितनी जल्दी चीज़ों को ग्रास्प करते हो अभी तो टेंथ स्टार्ट हुआ अभी पूरी 500 स्पीच बची है नरेश उसके बाद तुम्हारा मिसलेनियस टॉपिक बहुत सारे हैं मैच द कॉलम सेंटेंस कंप्लीशन सेंटेंस रीअरेंजमेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट अभी तो बहुत अभी कुछ हुआ ही नहीं है बच्चे इट विल टेक लाइक 2021 का बैंक का अटेम्प्ट दे पाऊंगा मैं हाँ बिल्कुल तब तक आप प्रिपेयर हो जाओगे डोंट वरी 2021 तक यू विल बी प्रिपेयर डोंट वरी अबाउट इट रिसेंटली भी जो फॉर्म्स आएंगे डेफिनेटली फिल दैट फॉर्म ओके चल बाय बाय टेक केयर सेम टू यू